कारपेट वाली एग्जाम्पल थोड़ा होर अगे लैके आने वो वैलिडेशन चेक करने वास्ते। सपोज आप कहने कि वो पहले जो नंबर है वो तो जिंदा आप पहले पिछली समय ही देखा सगा कि तीन लैटर्स हो उस बाद डैश आए उस बाद जो अगर नंबर है वो आप चाहते हैं कोई खास नंबर रिपीट होंगे होते वास्ते आप नव देखते हैं कि नवी प्रोजेक्ट हैगी है। सपोज मैं चाहता कि वो ना नंबर 9191 रिपीट हों दो बारी। अगर मैं आप प्रिंसेस ना लिख लिख देना अगर मैं चलो इदा कर दूँ मतलब की है कि पहले 919 आएगा उस तो बाद एक दो दो बार रिपीट होएगा फिर सही होगा अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलो मैं चला देख रहे एल ई ए 919 इनवैलिड 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 वैलिड है ठीक है यानी कि 919 आ गया अगे एक दो दफा रिपीट होया एक दो दफा रिपीट होया उन्हें वैलिड कहता यानी देखो ना 919 दो दफा रिपीट होया। अगर मैं तीन करना अब अपन वाला आखिरी तीन हैगा इन तीन दफा रिपीट करना पड़ेगा कॉपी किया फिश किया पेस्ट किया होने जनाब पेस्ट किया इन सेव भी नहीं किया यार सेव किया इन हमने पेस्ट किया इन वैलिड वैलिड यानी तीन दफा रिपीट हो गया तो वैलिड हो गया। तो यह मतलब यह हो कि जो आप अकाउंट लिखते हैं तीन वाला अकाउंट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो जस्ट आखिरी लैटर से अप्लाई होंगी है। सपोज जी कहें कि आई फ्रीक्वेंसी हैगी पूरे इस ग्रुप से अप्लाई हो जाए वो से अपन ना ये अप्रेंथस लानी पेगी। हम यह मतलब होया कि 911 हैगा वो तीन बार रिपीट होएगा तो नंबर सही होगा तो भाई इस नंबर गलत हो जाएगा यानी 9191 तीन बार रिपीट करना पड़ेगा। सेव किया रिफ्रेश किया एक बार 9199 हो गया फिर 9191 फिर 9191 तीन बार हो गया अनवैलिड कर और कुछ लिखोगे तो उन्हें कहना कहना है इनवैलिड कर देना है। तो अच्छा ये भी थोड़ा जहा अपने को है कि जो अगर तीन पाया हुआ इन भी आप चेंज कर सकते कहने कि मिनीम एक बार ही हो मैक्सीम जिनी बार मर्जी हो सकता ये की करेगा उस इस पैटर्न मिनीम एक दफा होगा तो भी ठीक रहेगा अगर पैटर्न बार बार रिपीट करेगा यानी कि एक वन आर मोर टाइम उन्होंने ठीक करेगा। देखो जी खाली इन्ना करके देख दें वैलिड कहता हम आप होर अगर पाता इनवैलिड करता हम पूरा पैटर्न दोबारा रिपीट करना पड़ना पैटर्न दो बार रिपीट हो गया फिर वैलिड हो गया फिर मैं फिर की हो गया तीन बार रिपीट हो गया वैलड हो गया फिर रिपीट हो गया फिर वैलड हो गया यानी अपर लिमिट आप डिफाइन नहीं की लो लिमिट एक बार हैगी है यानी कि अगर इदा करते हैं फिर उन्हें कहना इनवैलड। अच्छा जी आप चाहते हैं अपर लिमिट भी आप सैट कर दी आप कहते मैक्सीम तीन दफा रिपीट हो सकता तो मिनीम एक दफा उन्होंने होना चाहिए इस पैटर्न में वो वन तो लेकर वन टू थ्री आप करता तो ये हम देखिए वैलड हले भी वैलिड है वैलिड है किधर गया मैं खड़ा सेव नहीं होया सी यार सेव होया हाँ तो हाँ कर दो 9191 फिर 9191 वैलिड हो गया हले 9191 वैलड हो गया 9191 इनवैलड हो गया ठीक है जी। यानी हम आप कहता कि एक तो लगे तीन यानी कि मिनीम एक दफा रिपीट हो मैक्सीम तीन दफा रिपीट हो गए सिमिलरली आप ये वो है कि सैट कर दें कि जस्ट अगर इदा करते हैं मतलब अगर सिर्फ जस्ट वन टाइम रिपीट होएगा जीरो कर दें एक दफा भी रिपीट नहीं करेगा उन्होंने फिर गलत कर देगा
देखो ये इन्होंने पर सेव इन्होंने पर पहले सेव की था इन्होंने की था इन्हें बेल्ट करता जो कब इतने जीरो करता था। अच्छा एक और भी ऑपरेटर है अपन जो पहुँचाने के अपन बस कहने बस बस आहार नंबर हो जो आहार नंबर हो चलो तो और जिन्हें भी नंबर होने के अपन रिजेक्ट करते हैं। सपोज मैं कहना ज़्यादा 9191 हो या 7171 हो बाकी सारे नंबर अपन नहीं एक्सेप्ट करने हैं। वो आर दा ऑपरेटर पाया जो कहता 71589 कुछ नंबर बाद था हूँ ए ज़्यादा इन्हू एक्सैप्ट करेगा या इन्हू एक्सैप्ट करेगा स्टार्ट में कोई भी तीन कैरेक्टर आ सकते हैं। सेव किया 91 उन्हू एक्सैप्ट करेगा या कि करेगा एक्सैप्ट हो इस नंबर 71587 71587 आल वैल्ड करता इनवैल्ड हो गया कुछ भी करता इनवैल्ड हो गया। ठीक है जी 87 वैल्ड हो गया। तो ये है जी कि आप अलग अलग एक्सप्रेशन यूज करते हुए बहुत खेल सकते हैं। ठीक है जी रब रखा वधिया हो गया।